हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जुबानी है, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY कैरेट ऑयल। तो कैरेट ऑयल को हम घर पर कैसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को और बनाकर ज़रूर ट्राई करें। घर पे बनाया हुआ हर चीज़ बहुत ही सेफ होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जिसके कारण आपके स्किन में, आपके बालों में कोई साइड इफेक्ट होने का चांस नहीं रहता है। इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है कैरेट ऑयल। अगर आप अपने बालों को लंबे बनाना चाहते हो, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हो, आप अपने स्प्लिट एंड्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप लोग इस कैरेट ऑयल को यूज़ करिए। ये आपके बालों का ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है, और आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करता है। आपके स्प्लिट एंड्स जो है वो धीरे धीरे करके कम करता है, और स्प्लिट एंड्स के चांस कम रहता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आप लोग इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपके जड़ों को मजबूत करके ये आपके बालों को झड़ने से बचाता है, और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। हमारे स्किन के लिए बेनिफिट्स कैरेट ऑयल की कहो तो ये ऑयल हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है ये ऑयल। और कैरेट ऑयल हमारे स्किन के बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर करता है, जैसे कि ब्लेमिशेस, एक्ने, पिगमेंटेशन, स्कार, टैनिंग और काफ़ी सारे समस्याओं का हल करता है कैरेट ऑयल। कैरेट ऑयल एक सन प्रोटेक्शन की तरह भी हमारे स्किन में काम करता है, तो आप लोग इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इस ऑयल को बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कैरेट। मैं हमेशा DIY थोड़ा कम ही बनाकर यूज़ करती हूँ, और कुछ दिन बाद फिर फ्रेश बनाकर मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ही बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक कैरेट, इसको मैंने धोकर इसके छिलके निकाल लिया है, तो इसको अच्छे से ग्रेट कर ले। उसके बाद आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, कोई सा भी आप एक ले सकते हो। मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है, और उसके बाद आपको एक पैन में कोकोनट ऑयल को डालना है, साथ में कैरेट को भी आपको उसमें मिक्स करना है। 6 to 7 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से उबाल ले, और इस तरह से एक कपड़े में शिफ्ट करके इसको अच्छे से निचोड़ ले। तो आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो, जब चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।